क्लास 8 एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 1। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 143, फाइंड द नंबर्स। लेट द नंबर बी 8x एंड 3x। दोनों का सम 143 आ रहा है तो दोनों को ऐड करेंगे, 11x आएगा इज इक्वल टू 143 रखेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 11 से 143 को डिवाइड किया 13 आया, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो वन नंबर हमारा 8x हमने माना था, x की जगह पर 13 रख देंगे, 13 8 104 हमारा वन नंबर आ जाएगा। अदर नंबर हमारा 3x है, 13 3 39 हमारा अदर नंबर आ जाएगा। सो लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 4, 24 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 5 टाइम्स द सेकंड पार्ट मेक्स 146, फाइंड ईच पार्ट। तो मान लिया कि वन पार्ट हमारा एक्स है, 7 टाइम्स है वो फर्स्ट पार्ट का, तो 7x हो गया। देन अदर पार्ट 24 माइनस एक्स हो जाएगा, 5 टाइम्स द सेकंड पार्ट है ये, तो 5 टाइम्स का मतलब 5 सेकंड पार्ट में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी 7x प्लस 5 टाइम्स द सेकंड पार्ट, दैट मीन्स 5 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 146। 7x प्लस 24 और 5 का मल्टीप्लाई किया 120, 5 का माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस 5x इज इक्वल टू 146। 7x में से 5x माइनस करेंगे 2x बचेगा, 146 में से 120 माइनस करेंगे 26 बचेगा, इसका मतलब हमारा x से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 26 को, तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी। 1 यानी कि 1 पार्ट हमारा 13 हो गया, और जो अदर पार्ट है जो सेकंड पार्ट, ठीक है, उसमें 24 में से x माइनस करेंगे मतलब 13 को माइनस कर देंगे, तो हमारा 11 जो है वो अदर पार्ट आ जाएगा। लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 4, 5, 6। If the sum of the largest and the smallest equals the sum of the third and 55, find the numbers। तो मान लिया कि कॉमन मल्टीपल जो हो रहा है नंबर का x है, मान लिया तो थ्री नंबर्स वुड बी 4x, 5x, 6x हो जाएंगे। 4x और 6x का जो सम हो रहा है वो 5x में 55 प्लस करने के बराबर हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 4x प्लस 6x 10x हो जाएगा इज इक्वल टू 5x प्लस 55, 10x में 5x माइनस कर दिया, 5x इज इक्वल टू 55, x की वैल्यू आ गई 11। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका हो जाएगा 4 इंटू 11 44, क्योंकि 4x था। लार्जेस्ट नंबर 6 इंटू 11 66 हो जाएगा, और थर्ड नंबर 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 11 55 हो जाएगा। इस तरीके से हमें थ्री नंबर मिल जाएंगे 45, 55 एंड 66। फाइंड थ्री कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हुज सम इज 147। तो पहला हमने मान लिया x है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, दूसरा x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4 है, तीनों का सम 147 आ रहा है। प्लस करने पर 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 147, 3x इज इक्वल टू 147 माइनस 6, 3x इज इक्वल टू 141, 3 से डिवाइड किया 47 आ गया। इसका मतलब पहला नंबर 47 हो गया, दूसरा आपका x प्लस 2 था यानी कि 47 प्लस 2 करने पर 49, थर्ड आपका x प्लस 4 यानी 47 प्लस 4 इज इक्वल टू 51 आ जाएगा।